ये जबान जो है ये जौहर खास है, इसके पीछे इंसान छुपा होता है। ये अली का जुमला है, ये मौला अली के इन जुमलों में से है, ये मौला अली के उन जुमलों में से है जिनको दुनिया के बड़े से बड़े अदीब ने भी कहा है कि इन जुमलों का कोई बदल नहीं है। दो जुमले बस सुना दूं, याद रखना और इस पर इन जुमलों पर अपनी शख्सियत को तौलना, गिरने न देना, कहीं अली का वास्ता दे रहा हूं, कहीं गिर न पड़ना, कहीं ठोकर भी न लगने पाए। क्या फरमाया अली ने कीमतों को, आजकल कीमतें लगती हैं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है, कीमतें लगती हैं, प्राइम मिनिस्टर की कीमत लग जाती है, चीफ जस्टिस की कीमत लग जाती है, कीमतें लग जाती हैं, और कुछ तो ऐसे गिरे हुए होते हैं कि बेदाम बिक जाते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि खसरत दुनिया वाल आखिरा, ये वो है जिनको न दुनिया मिली ना आखिरत मिलेगी, खुसरानम मुबीना, खुसरा, ये जो खरीदने वाले होते हैं ना, ये जानते हैं कि जो बिक रहा है असल में इसकी कोई कीमत नहीं है, तो पहले खरीदता है और कहता है मैं कीमत दूंगा बाद में, और जब कीमत लेने के लिए IMF पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अब आप अपना भी हिसाब किताब दे दीजिए, एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में, हवा में बिक जाते हैं, आंधी में लुट जाते हैं, तूफान में गते हैं, ऐसे नाबूद होते हैं कि न दुनिया मिलती है ना आखिरत। हर इंसान की कीमत उसका वो इल्म है जो उसके अंदर पाया जाता है। कीमत, आपका बदन तौल के कीमत नहीं लगाई जाएगी। खरबूजे के बाजार चले गए और खरबूजा तौलते हैं तो क्या करते हैं, पूरा खरबूजा रख दिया और तराजू पे तौला और दे दिया, तो इंसान की कीमत क्या है? हाँ, अमेरिका और इसराइल और इस तरह की हुकूमतें यही करती हैं, तौल लेती हैं कि कौन कितना शरीफ है, कौन कितना रजील है, उसी हिसाब से कीमतें दे देती हैं, और कीमतें भी नकद कम देती हैं, उधार लगा देती हैं, और उधार फिर कभी नहीं मिलता, ठीक है ना? कहीं आप लोगों का जहन सियासी बातों में ना उलझ जाए, मैं कभी सियासी बातें नहीं करता, मैं तो जिंदगी की हकीकतें बयान करता हूँ, मैं दुनिया की जमीनी हकीकतें अर्ज कर रहा हूं, और फरमा रहे आप, तो यहां आदमी तौल के बिकते हैं, ऐसी जमहूरियतों में आदमी तौल के बिकते हैं। मैं क्यों कहता हूं तौल के बिकते हैं? अरे तौलने गिनने में कोई फर्क है? तौलने गिनने में कोई फर्क है? खुदा की कसम कोई फर्क नहीं, तौलने गिनने में कोई फर्क नहीं है, तौलने और गिनने में कोई फर्क नहीं। किताब मकासिब में जब रिबा की बहस आती है तो वहां ये एक बहस आती है कि रिबा जो है किस चीज में है और किस चीज में नहीं है, गिनने वाली चीजों में कुछ चीजें गिन के बेची जाती हैं, बास जगहों पर ये अंडे गिन के बेचते हैं, केले गिन के बेचते हैं, बास जगहों पर तौल के बेचते हैं, है ना? दो तरह के तरीके, हर जगह हुक्म बदल जाता है, तो गिनने और तौलने में फर्क नहीं है, गिना और तौला जाता है बेचने के लिए और खरीदने के लिए। और ये मैं कह रहा हूं तौलना, और अल्लामा इकबाल कह गए हैं गिनना। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, उन्हें नहीं मालूम था तौलने गिनने में फर्क नहीं आए।